नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में कैरेक्टर लेटर का कहां प्रयोग करते हैं इसको समझाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आप कहां कैरेक्टर लेटर का प्रयोग करें और कहां ना करें। तो ग्रामर में बहुत जरूरी है कि कैरेक्टर लेटर जो है हमें कहां प्रयोग करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए जानते हैं कहां कहां कैरेक्टर लेटर का प्रयोग करते हैं। तो यूज ऑफ कैरेक्टर लेटर, हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज। पहला जो है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि किसी भी वाक्य का जो पहला लेटर होता है वहां है सबसे पहले जो है हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, या किसी भी वर्ड की हम शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। तो प्लीज यहाँ पी शब्द है कैरेक्टर हो गया, यानी ये इस सेंटेंस का पहला लेटर है। तो प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रयोग पहले जो है कैरेक्टर लेटर में किया जाता है, कैरेक्टर लेटर में लिखा जाता है। अब दूसरा, कहाँ हम कैरेक्टर लेटर का प्रयोग करते हैं, सभी प्रॉपर नाउन तथा उससे बनने वाले एडजेक्टिव, सभी प्रॉपर नाउन और उससे बनने वाले एडजेक्टिव का पहला अक्षर, प्रथम अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे आई वेंट टू गाजीपुर, यहाँ ये गाजीपुर जो है प्रॉपर नाउन है, GHAZIPUR में जी शब्द जो है पहला लेटर जो है कैपिटल में यहाँ प्रयोग किए हैं, और आई जो है अकेले अगर आता है तो हमेशा जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। फिर तीसरा, हम कहा कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं, कहा कैपिटल लेटर लिखते हैं, सभी नाउन और प्रोनाउन जहां किसी देवी देवता का बोध होता, किसी डायटी का बोध होता, गॉड का, अल्लाह का, उसके सर्वशक्तिमान होने का, यानी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जिसके प्रयोग से हमें किसी देवता का बोध होता, किसी शक्ति का बोध होता, किसी सर्वशक्तिमान का बोध होता, वहां जो है हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे पहला लेटर है यहाँ हम कर दिए कैपिटल लेटर में, लेकिन गॉड भी बीच में हम लिखे हैं, गॉड का भी पहला लेटर जो है जी, यानी भगवान को संबोधित है, इसका मतलब भगवान, वो भी जो है कैरेक्टर लेटर में लिखा जाए। फिर दूसरा वाक्य एक हम लिखे हैं, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, उसमें हमेशा विश्वास करो, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। तो यहाँ हिम जो है भगवान के लिए लिखा गया है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ भी हिम के लिए जो है कैरेक्टर लेटर का प्रयोग जो है पहले अच्छा ही किया गया, पहले पहला लेटर जो हिम का है उसको उस वहां भी हम कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। जहां, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जहां ईश्वर का बोध हो, ईश्वर से संबंधित नाउन या प्रोनाउन हो, तो वह जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे वो वाक्य के किसी भी जगह प्रयोग हो रहा हो, बीच में भी प्रयोग हो रहा हो, तो वहां जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब अंतिम बात मैं बताने जा रहा हूं, प्रोनाउन आई तथा इंटरजेक्शन ओ कहीं भी वाक्य में आ जाता है अकेले, तो वहां भी कैपिटल लेटर में प्रयोग, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ओ गॉड दाउ आर्ट मर्सीफुल, ओ गॉड, ओ शब्द भी कैपिटल लेटर में और गॉड भी कैपिटल लेटर में है, और दाउ भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम दाउ का मतलब तुम, भगवान के लिए तू ईश्वर है, तो उसके लिए जो है दाऊ के लिए भी जो है दाऊ का भी पहला लेटर जो है कैपिटल में लिखा गया है। तो ओ गॉड दाऊ आर्ट मर्सीफुल, ओ और आई कहीं भी आता हो अकेले, ओ जो है अगर इंटरजेक्शन में, ओ इंटरजेक्शन के रूप में जब प्रयोग हो रहा हो तो वहां भी कैपिटल लेटर में हम उसे लिखते हैं। अकेले आई भी आता है किसी बात में, जैसे मैं ही तो हूं, इट इज आई, तो जैसे मैंने लिखा है इट इज आई, तो आई भी कैपिटल लेटर में है,
यहाँ जो है आई ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इट जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आई यहाँ अकेले है, वाक्य पर जोर दिया जाता है, दिया जा रहा है यहाँ इट इज आई, मैं ही तो हूँ। इस वाक्य में भी आई जो है कैपिटल लेटर में प्रयोग किया गया, तो आई अकेले कहीं भी आ रहा है वो इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वहां भी कैपिटल लेटर के रूप में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और आप सभी जो है कैपिटल लेटर का कहां प्रयोग करते हैं आप जान चुके हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो उन्हें नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।